मिट्टी के मोल में तू हीरे लुटा रहा है, क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा है, क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा दम तू ले रहा है, क्यों झूठ का सहारा। बातों को समझिए, एक ही भजन पर्याप्त है जीवन को सुधारने के लिए। भजनकार कहते क्या है, हर दम तू ले रहा है क्यों झूठ का सहारा, हर दम तू ले रहा है क्यों झूठ का सहारा, कर रहा है बंदे सच्चाई से किनारा, तू कर रहा है बंदे सच्चाई से किनारा। बुनियाद पे तू रेत की, बुनियाद पे तू रेत की एक घर बना रहा है, क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा
मोहों की भांति तू ये क्या काम कर रहा है, इंसान के जात को तू बदनाम कर रहा है, इंसान के जात को सम्राट शत्रु कबीर साहेब की, संत महापुरुषों की। मंच पर विराजमान आदरणीय संत गुरुजन और इस चार दिवसीय दिव्य कबीर जयंती समारोह में पधारे हुए समस्त सज्जनों एवं देवियों, दक्षिण भारत में सद्गुरु कबीर साहेब की जयंती का ये 621वां वर्ष मनाने का क्रम जारी है। हर साल मनाते आ रहे हैं, लेकिन इस बार कुछ विशेष रूप से वाई बाबू गुरु जी ने आयोजन किया है और देश के विभिन्न जगहों से संतों को, साधुओं को बुला करके एक विशेष आयोजन यहाँ पर आयोजित किया है और इसकी शुरुआत कल हो चुकी और आज उसका विशेष रूप से प्रथम दिन है। सद्गुरु कबीर साहेब 621 साल पहले इस धराधाम पर आए और कबीर चौरा जो आज बनारस में है वो उनका मुख्यालय था और कबीर चौरा में रह करके सद्गुरु कबीर साहेब ने अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार और एक छोटे स्तर पर किया। कबीर चौरा का नाम ही जहाँ पर उनका सत्संग होता था उस चौरे का नाम कबीर चौरा रखा गया और वहीं से कबीर साहेब का रूप निखरने लगा। कबीर साहेब सबके हित चाहते थे, छोटे हो बड़े हो सबका हित चाहते थे और इसका उल्लेख सद्गुरु कबीर साहेब ने अपने बीजक में किया है। वे कहते हैं, मैं रोऊं यह जगत को मोको रोवे न कोए, मोको रोवे सो जना जो शब्द विवेकी हो। जो भी संत होता है वो किसी एक का नहीं होता, सबका होता है। तो कबीर साहेब कहते हैं कि मैं सबके लिए रोता हूँ, मतलब दुनिया के लोग दुखी हैं, उस दुखी जीव को देख करके कबीर साहेब कहते हैं कि मैं उनके लिए दुखी हूँ, लेकिन संसार के लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, अपने दुख से उतना दुखी नहीं है जितना दूसरे के सुख को देख करके दुखी है। आदमी अपने दुख से दुखी कम है, दूसरे के सुख से सुख को देख करके वो ज्यादा दुखी होता है। ये मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है, मेरे पास है उसका वो उपयोग नहीं कर पा रहा, उससे सुखी नहीं हो पा रहा है, लेकिन दूसरा सुखी है उसको देख करके वो दुखी हो जाता है। जैसे किसी के पास एक तल्ले का मकान हो, सामने वाले का तीन तल्ले का मकान हो, तो अपने एक तल्ले के मकान के सुख को नहीं ले पा रहा है, वो दूसरा जो तीन तल्ला उसके सामने बन गया उसके लिए सोचता है कि क्या बताएं, मेरे सामने तीन तल्ला का मकान खड़ा कर लिया, वो दुखी होते रहता है। और ये दुखी होना कोई दूसरा दुख नहीं दे रहा है, लोग कहते हैं कि भगवान दुख देता है, भगवान दुख नहीं देता है, हम दुख स्वयं पैदा करते हैं। पड़ोसी का तीन तल्ले का मकान हो गया तो भगवान थोड़े हमको दुख दे रहा है, प्रसन्न होना चाहिए, प्रसन्न होने का कारण ढूंढना चाहिए।
अभी हमारे पूज्य साहब जी बैठे हुए हैं, आपको बताएंगे समय से कि हम लोगों को सुखी होने का कारण ढूंढना चाहिए कि हम सुखी हों। हमारे पास सुखी होने के साधन हैं, लेकिन हम उन साधनों का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कैसे सुखी हों, हम लोग स्वस्थ हैं। बहुत से लोगों को आप लोग देखते हो कि रोगी दुखी सड़क पर जिसका पैर रही है, घसीट रहे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं, लेकिन उससे मैं बढ़िया हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ है, ऐसा मान करके सुखी होना चाहिए, उससे तो मैं अच्छा हूँ। कितने अंधों को देखते जिनकी आंखें नहीं हैं, मेरी तो आंखें हैं, मैं सबको देख रहा हूँ, तो अपनी आंखों को है ऐसा मान करके सुखी हम हो सकते हैं। हमारे शरीर की इंद्रियां सब बलवान है, स्वास्थ्य अच्छा है, हमको संत गुरुजन मिले हुए हैं, इन सब बातों को सुन करके हम सुखी हो सकते हैं, लेकिन इनका हम उपयोग नहीं करते इसलिए दुखी बने रहते हैं। तो कबीर साहब इसीलिए कहते हैं कि मैं रोऊं यह जगत को, मैं जगत के लोगों के लिए रोता हूं, लेकिन संसार के लोग उसको समझते नहीं हैं। और सभी संत इसके लिए प्रयास किए कि सब लोग सुखी हो जाएं। जो स्वयं सुखी होता है वही दूसरे को सुख देने का प्रयास करता है। हम भी ऐसा प्रयास करें कि दूसरे को सुख दें। जो दूसरे को सुख देता है वही सुख पाता है, क्योंकि संसार का नियम है, कारण कार्य की व्यवस्था है कि जैसा हम देंगे वही हमको उलट करके मिलता है। जैसे आप किसी मकान पर चले जाएं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग हो या पहाड़ी की जगह हो, आप जैसा बोलेंगे वैसे उलट करके वो प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है, एक्शन टू रिएक्शन। जैसा हम क्रिया करेंगे उसी की प्रतिक्रिया मिलती है, बल का प्रतिबल। हम धक्का देते हैं तो इसी रूप से धक्का हमको वापस मिलता है। बंदूक चलाने वाले होते हैं तो जितनी वेग से बंदूक की गोली आगे जाती है उतने ही उसको पीछे वो धकेलती है। तो बल का प्रतिबल होता है, ध्वनि की प्रतिध्वनि होती है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो जैसा हम दूसरे को देंगे वही उलट करके हमको मिलता है। इसलिए दूसरे को अच्छा देना चाहिए, हमारे मन में अच्छा भाव हो। हम जैसा भाव दूसरे को देंगे वही उलट करके भाव हमको मिलता है। इसलिए प्रयास पूरा होना चाहिए कि हम दूसरे को सुख दें। चार प्रकार के लोग होते हैं। एक प्रकार के लोग वह होते हैं जो स्वयं दुख सह करके दूसरे को सुख देने का प्रयास करते हैं, अपना कष्ट सह लेंगे लेकिन दूसरे को सुख देने का प्रयास करते हैं। दूसरे तरह के वो लोग होते हैं जो स्वयं सुखी होते हैं और दूसरे को सुख देने का प्रयास करते हैं। तीसरे वे होते हैं जो स्वयं दुखी हैं और दूसरे को भी दुख देते हैं, स्वयं भी दुखी हैं और दूसरे को भी दुख देते हैं। और चौथे प्रकार के लोग ऐसे होते हैं जो स्वयं दुख पाते हैं और खर्च करके दूसरे को भी और दुख देने का प्रयास करते हैं। अपना पैसा जाता है और साथ साथ दूसरे का भी नुकसान करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि मेरे मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। ये सद्गुरु कबीर साहब ने हम लोग को लाइफ मैनेजमेंट सिखाया कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सुख सुभाए और सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। लेकिन हम लोग वैसा बन नहीं पाते हैं, सोचते हैं अच्छा मेरे पास भरा रहे, दूसरे के पास कम हो जाए। कभी साहब नहीं कहा, नहीं, मैं भी भूखा ना रहूं और दूसरे को भी मिल जाए, ऐसा भाव होना चाहिए। जो ऐसा भाव रखता है उसके जीवन में सुख होता है, और सुख सब लोग चाहते हैं, सुखी सब लोग होना चाहते हैं, कोई दुख नहीं चाहता। कोई भी प्राणी होगा वो दुख नहीं चाहता, इसलिए कभी किसी को दुख मत दो, अपने को कष्ट मिल जाए कोई बात नहीं है। कबीर साहब ने कहा है, कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगा सुख उपजे और ठगा दुख होए। हम ठगा जाए, ठगाने का मतलब बेवकूफ बनना नहीं है कि कोई बात नहीं बेवकूफ बने, ऐसी बात नहीं है। जानबूझ करके बेवकूफ नहीं बनना है, लेकिन कोई ठगने वाला होता तो ऐसा ठग मिलता है कि हम लोग को ठग ले जाता है। कबीर साहब ने कहा कोई बात नहीं, आप ठगा जाओ, आपसे क्या ठग लेगा, आपका रुपया पैसा धन दौलत यही तो ठग लेगा, कभी ठग से आपकी जमीन भी हड़प लेगा, यही तो कर लेगा, उससे ज्यादा क्या करेगा। कबीर साहब ने कहा कि आप ठगा जाओ लेकिन दूसरे को कभी ठगो मत। जो दूसरे को ठगता है वो कभी आत्म शांति नहीं पा सकता, बारंबार उसको ख्याल होता रहेगा कि मैंने इसको ठगा, मैंने इसको ठगा। कई बार ऐसा होता है हम लोग किसी के घर में जाते हैं तो उनके अच्छे सामान देख करके मन हमारा लोभ जाता है, ये भी सामान मेरे पास होता।
तो उनके अनुपस्थिति में सामान को कभी हम उठा लाए तो चोरी तो हो गई, बिना पूछ लिया तो चोरी करके लेके आए, वो जान नहीं पाया, जान नहीं पाया, लेकिन मेरे मन में बसा हुआ है कि कहीं जान जाएगा तो, जान जाएगा तो, कभी सामने मिलेगा तो हम रास्ता काट लेंगे, कहीं मिलने न पाए, कहीं मिल गया तो पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा, तो अंदर में चोर हमारा बस गया। इसलिए दूसरे को धोखा देंगे तो वस्तु तो चला जाए, कोई बात नहीं, लेकिन उसको हम धोखा देंगे तो जीवन भर वो बात याद रहे, उसको मैंने ठगा, उसका मैंने लिया, तो ये पीड़ा कभी खत्म होने वाली नहीं। इसलिए कभी किसी को धोखा नहीं देना। अगर जीवन सुख चाहते हैं तो हम लोग जानबूझकर के दुख बनाते रहते हैं, दुख बनाने के बहुत सारे कारण अपने आप हम लोग बनाते रहते हैं। इसकी जगह पर हमको बनाना चाहिए सुखी होने के कारण। सुख संसार में बहुत चीजें हैं जिसको हम देख करके सुखी हो सकते हैं, लेकिन वैसा हम लोग नहीं करते हैं, यही हमारे समझ की कमी होती है। और संत जन गुरुजन यही हमको सिखाते हैं, अपनी समझ को ठीक करें। इसलिए संतों के पास जाने को कहते हैं, संतों के पास इसलिए न जाएं कि उनसे हमको धन दौलत मिल जाएगा, उनसे मुकदमा में विजय हो जाएगा, बेटी बेटा हो जाएगा, ये नहीं मांगने जाइए। बहुत लोग होते हैं, चलो गुरु जी के पास चलते हैं, महात्मा जी के पास चलते हैं, तो किसी माँ को बेटा नहीं होता है, पुत्र नहीं होता है, तो कहते हैं चलो उनसे आशीर्वाद ले लो, महात्मा जी पहुंचे हुए सिद्ध हैं तो बेटा दे देंगे। क्या महात्मा की झोली में बेटा रखा हुआ है जो बेटा दे देंगे? बेटा देने वाले नहीं है, जो ऐसा बेटा देते हैं वो समझ लीजिए महात्मा नहीं है, वो महात्मा के नाम पर कुछ और ही है। वैसे लोगों से सावधान होना चाहिए, वैसे लोग आपकी इज्जत को, धन को, ये सब को ले लेने वाले हैं, इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। और कबीर साहब ने इसीलिए कहा कि सबसे सावधान रहो, कैसा, जो ठगने वाले हैं, ठगने वालों से सावधान रहो। और संतों के पास जाना किस लिए चाहिए? उनके पास इसलिए जाना चाहिए कि हमारी बुद्धि अच्छी हो, धन के लिए ना जाए, पुत्र के लिए ना जाए, मुकदमा में विजय के लिए ना जाए, किसके लिए जाए? हमारी बुद्धि अच्छी हो जाए, हमारी समझ अच्छी हो जाए। समझ अच्छी होगी ना तो धन अपने आप बढ़ेगा, जितना धन है उसी में हमको संतोष रहेगा। धन किसके लिए है? शरीर गुजर के लिए, इतने तो होगा। जो धनवान होते हैं और गरीब होते हैं उनकी रोटी की साइज लगभग बराबर होती है। धनवान आदमी क्या इतना बड़ी बड़ी रोटी खाते हैं? हमारी एक बहन आई हुई अनीता बहन गुजरात से, हम लोग को रोटी बना बना खिलाती है, वो बड़ा से इतना बड़ा बनाती है, लेकिन वो भी उसके टुकड़े करके ही खाना होता है। तो क्या बड़े लोग होते हैं क्या बड़ी बड़ी रोटी खाते हैं या 10-20 रोटी खाते हैं? नहीं, एक दो ही खाएंगे, बल्कि अमीर लोग तो और कम खाते हैं। गरीब लोगों को देखे खूब पेट भर के खाएंगे और जम के काम करेंगे, उनका पेट नहीं निकलता है। जो धनवान होते हैं वो बेचारे एक दो रोटी खाएंगे, खट्टी ढकार आएगी और पेट बिल्कुल सामने निकला रहा था। सुखी वो नहीं है, शारीरिक रूप से सुखी धनवान आदमी नहीं होता है, क्योंकि उनको चिंता सता जाती है। तो कबीर साहब हम सबको ही कहते हैं कि संतों के पास जाओ तो उनसे सद्बुद्धि मांगो। हमारी बुद्धि कैसे अच्छी हो जाए? बुद्धि अच्छी होगी ना तो थोड़े धन में भी हमारा जीवन गुजर अच्छा होगा। और इज्जत की रोटी हमको मिलना चाहिए, रोटी सबको मिलनी चाहिए, और वो इज्जत की रोटी के लिए हमको इज्जत का काम करने चाहिए, ईमानदारी का काम करना चाहिए। जो ईमानदार होता है उसी का सब समय अच्छा होता है। जो ईमानदारी का बर्ताव नहीं करेगा उसके जीवन में भी धोखा देने वाले लोग आ जाते हैं। जो स्वयं ईमानदार होता है तो दूसरे लोग भी उसके साथ ईमानदारी का व्यवहार करते हैं, क्योंकि संसार तो ये चक्र है, चक्र है, वो बस घूमते रहता है। वो घूमते घूमते कभी चक्र हमारे ऊपर आता है, कभी दूसरे के ऊपर आता है, तो वो चक्र चलता रहता है। इसलिए उस चक्र से सब लोगों को गुजरना है, मौत से सबको लोग गुजरना पड़ता है। ऐसा नहीं कि दूसरे की मौत हो गई मेरी मौत नहीं होगी, ये मौत भी एक चक्र है, समय चक्र मतलब समय, समय सबका आता है। इसलिए हम सबको समय का ख्याल रखना चाहिए, और समय हमारा बहुत कीमती है, उस समय को हम लोग बर्बाद ना करें। समय हम लोग खरीद नहीं सकते हैं, चीजें तो खरीद लेंगे लेकिन समय नहीं खरीद सकते। इसलिए समय का सदुपयोग, और समय ही हमारा जीवन है, जो समय बचाता है वही जानो अपने जीवन को बचाता है।
और जीवन हमारा थोड़े समय में जीवन हमारा कैसे अच्छा हो, कैसे हमारे मन में अच्छे भाव आए, कैसे हमारे मन में अच्छे अच्छे विचारों के लिए प्रेरणा जगे, इसके लिए हम संत गुरुजनों के पास जाते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब ने यही हम सबको प्रेरणा दी कि अच्छे संतों के पास जाओ और उनसे अच्छी प्रेरणा हम लें। अच्छी प्रेरणा मिलने से हमारे जीवन में एक सुखद अनुभव होगा और सुख जिसका जीवन सुखी होता है उसी का जीवन अच्छा होता है। और इसके लिए एक ही काम मेरे को समझ में आता है कि दूसरे के जीवन में सुख देने का प्रयास करें। जो दूसरे को सुख देता है वो दूसरे को दूसरे से भी सुख पाता है। अपना कष्ट हो जाए कोई बात नहीं है। एक गुलाब का पेड़ था, उसमें बहुत सुंदर फूल लगा हुआ था। तो फूल लगा तो एक आदमी आया और गया पेड़ के पास में, फूल को तोड़ करके अपने जेब में लगा करके मस्त खुश होकर के चला गया। कितना बढ़िया मेरे को गुलाब मिला। एक दूसरा आदमी आया और गुलाब से पूछता है, हे गुलाब, ये आदमी आया तोड़ ले गया, तुमको कष्ट नहीं हुआ, दर्द नहीं हुआ? तो गुलाब ने कहा कि भाई साहब, दर्द तो बहुत हुआ, लेकिन जो तोड़ के ले गया उसके चेहरे की प्रसन्नता को, चेहरे की खुशी को देख करके मैं अपना दर्द भूल गया। मतलब मेरे कारण से अगर किसी को सुख पहुंचता है, किसी को प्रसन्नता होती है, मैं अपना दर्द भूल जाता हूं। ऐसा भाव अगर मनुष्य लाए तो एक नया बदलाव आएगा। संसार को हम बदल नहीं सकते, हम लोग अपने को बदल सकते हैं। जो अपने को बदलता है तो संसार को बदलने का एक अंग प्रारंभ हो गया। कहीं कहीं पर बोर्डों में आप लिखा देखते होंगे कि हम बदलेंगे युग बदलेगा। शुरुआत अपने से करनी है। हम लोग सोचते हैं कि अच्छा दूसरा सुधरेगा तो मैं भी सुधरूंगा, ऐसा हम लोग सोचते हैं। दूसरा सफाई कर देगा तो मैं भी सफाई करूंगा, ऐसा भाव। अपने से शुरुआत करना चाहिए और अपने जीवन से शुरुआत करनी चाहिए। जो अपने जीवन से शुरुआत करता है तो धीरे धीरे आगे भी वो सोचता है कि पूरा हमारा संसार, हमारा परिवार सुधरेगा। शुरुआत हमको अपने से करना चाहिए। इस भाव से जो आगे बढ़ता है उसी का जीवन सुखमय होता है। और सदगुरु कबीर साहब की जयंती के अवसर पर मैं आप सबके प्रति यही शुभकामना करता हूँ कि हम लोग अच्छे की शुरुआत अपने से करें, दूसरे से आशा नहीं करें। अपने से हम लोग सुधरेंगे तो निश्चित है हमारा समाज सुधरेगा, हमारा परिवार सुधरेगा, हमारा देश सुधरेगा और अच्छे काम में हमारा भी एक हाथ रहेगा। मेरे को समय मिला हुआ था, वो समय मेरा पूरा हुआ, मैं अपनी बात के ऊपर विराम देता हूँ। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, साहेब बंदगी साहेब। अभी श्री देवेंद्र साहेब जी के विचार सुने और अब हम लोग विचार सुनते हैं साध्वी सुमन, जो कबीर आश्रम, कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम मूरा छत्तीसगढ़ से आई हुई हैं। आए हम लोग उनके विचारों से लाभ लें। माइक वहाँ लगा दो नीचे। हाँ ले जाओ, पूरा स्टैंड ले जाइए। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। बंदो सत कबीर के चरण कमल सिरणाम, जासु ज्ञान दिन ब्रह्म तम देत न साय, ब्रह्म तम देत न साय। सतगुरु स्वामी नाथ तुम जीवन के आधार, जो तुम छोड़ो बाह को कौन लगा गावे पार। परम श्रद्धे परम पूज्य गुरुदेव जी, विरत विवेक संपन्न अर्चनी वंदनीय संत समाज, निर्छिर विवेकी परम सम्मानी सत्संग प्रेमी आत्मी बंधुओं,
एवं मेरी भक्तिमयी करुणामयी मेरी माता बहनों, आज परम हर्ष और परम सौभाग्य की बात है कि आपके महानगर हैदराबाद में, हैदराबाद के बेगम बाजार भाग्य नगर के महेश्वरी भवन में संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहब की 621वीं पावन जन्म जयंती हम सब मना रहे हैं। इसका श्रेय हमारे परम सम्मानी बाबू गुरु भाई और उनके संत कबीर मानव कल्याण समिति का है। सचमुच में कहते हैं कि इस संसार में कितने लोग आते हैं और कितने लोग चले जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ चंद लोगों को ही दुनिया याद करती है और इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम लिखा जाता है। तो इस दुनिया में कितने लोग आए और कितने लोग चले गए, हर किसी की जिसकी सदा जय होती है उसी की ही जयंती मनाई जाती है। जो इस संसार में आकर के उनका कर्तित्व और व्यक्तित्व महान होता है, उनके आदर्श महान होते हैं, उन्हीं लोगों की जन्म जयंती मनाई जाती है। उन्हीं लोगों में से सद्गुरु कबीर साहब है जो आज हम सब उनकी पावन जयंती में हम सब एकत्रित हुए हैं, और इस पावन जयंती के अवसर पर अन्य देशों प्रांतों से भी भक्त सज्जन माता बहने सब आई हुई हैं। सद्गुरु कबीर साहब का जीवन जो था, सद्गुरु कबीर साहब एक महत्तम संत थे। वो धर्म के लिए उनका पूरा जीवन, धर्म के लिए वो पूरा जीवन लगा दिए। सत्य के लिए उनको कोई झिझक एवं डर भय नहीं था। वे ये भी नहीं सोचते थे कि मेरी बातों में कौन खुश होता है और कौन नाखुश होता है। वे किसी की परवाह नहीं किए। वे किसी शास्त्र परंपरा और महापुरुष का भी उन्होंने डर भय नहीं किया। सद्गुरु कबीर साहेब सदैव सत्य के आराधक रहे। वो धर्म क्षेत्र के वैज्ञानिक होते हुए भी वो सत्य के पक्षधर रहे। सचमुच में देखा जाता है कि जो प्रकृति के कारण कार्य व्यवस्था को जो समझता है, वो कभी अंधविश्वास और चमत्कार को कभी प्रश्न नहीं दे सकता। सद्गुरु कबीर साहेब जीवन भर अंधविश्वास और चमत्कार को अपने जीवन में छिलके की तरह उतार फेंका। जिस प्रकार से पृथ्वी की कठोरता पृथ्वी का धर्म होता है, जल की कोमलता जल का धर्म होता है और वायु की शीतलता वायु का धर्म होता है, इसी प्रकार से आत्मा का ज्ञान आत्मा का धर्म होता है। जो इस प्रकृति के कारण कार्य व्यवस्था को जो समझता है, वह कभी अंधविश्वास और चमत्कार को प्रश्न नहीं दे सकता। सद्गुरु कबीर साहेब ये कहते हैं कि ए ब्रह्मभूत सकल जग खाया, एक नहीं दो नहीं पूरे संसार के लोग अंधविश्वास और चमत्कार में पड़े हुए हैं। आज शिक्षा की कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ समझ की। लोभ मोह के कारण कहे या किस कारण पता नहीं, लोग पढ़े लिखे होते हुए भी प्रयोग करके देख रहे फिर भी आज अंधविश्वास और चमत्कार में पड़े हुए हैं। इसीलिए जीवन में लोग जितना उनके जीवन में सुख और शांति आना चाहिए, जिस तरह से जीवन जीना चाहिए, उस तरह से नहीं जी पा रहे हैं। आज हम सद्गुरु कबीर साहब के मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना, सद्गुरु कबीर को मानते हैं और की नहीं मानते, राम को मानते हैं राम की नहीं मानते, कृष्ण को मानते हैं कृष्ण की नहीं मानते।
यही कारण है कि हम इन महान पुरुषों को हम मानते हैं, जानते हैं, समझते हैं, फिर भी उनके मार्ग पर चल नहीं पाते हैं और नहीं चल पाते हैं, इसीलिए हमारे जीवन में सुख और शांति नहीं आ पाती है। हम उन महापुरुषों की प्रशंसा करते थकते नहीं हैं, गुणों के उनके गुणों के गुणगान करते थकते नहीं हैं, लेकिन जब उनके मार्ग में चलने की बात आती है तब वहीं हमारा पैर लड़खड़ा जाता है। हम उनके मार्ग पर दो चार कदम भी चल नहीं पाते हैं, इसीलिए हमारे जीवन में सुख और शांति नहीं आ पाती। इसीलिए तो कहते हैं कि महापुरुषों की वाणी केवल सुनने और प्रशंसा करने के लिए नहीं होती है, बल्कि जीवन में उतारने के लिए होती है। सद्गुरु कबीर साहब के दो चार शब्द, उनके वाणी, उनके ज्ञान उन किसके कानों में नहीं पड़ी होगी। सब जानते हैं, सब समझते हैं, फिर भी हम उनके वाणियों को अपने जीवन में नहीं उतार पाते हैं। आज केवल भारतवर्ष ही नहीं, विदेशों में भी धीरे धीरे इनका प्रचार हो रहा है। उनकी निष्पक्षता, एकता, तर्कपूर्ण जो वाणियां हैं वो धीरे धीरे अन्य देशों में भी फैल रहा है और उनका लाभ सबको मिल रहा है। और हम तो उनके अनुयायी हैं ही, उनके मार्ग पर चल रहे हैं, तो उनके जो चलाए मार्ग हैं उन पर सचमुच हम अमल में लाते हैं। उनके चलाए मार्ग के अनुसार अगर हम चलते हैं तो हमारे जीवन में सुख और शांति जरूर आएगी। किन्हीं भी महापुरुषों को जब हम याद करते हैं, उनकी जयंती मनाते हैं, तो उसका लाभ यही होना चाहिए कि हमारे जीवन में भी कुछ परिवर्तन आए, हम भी उनके मार्ग पर चलें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। कोई न कोई परंपरा को लोग ढोते हैं, होना क्या चाहिए, सत्य को हमें केवल सत्य का पक्ष लेना चाहिए। तो सद्गुरु कबीर ने किसी का पक्ष नहीं लिया, न किसी भगवान, न किसी देवी देवता, न किसी पोथी, न कोई परंपरा, और उन्होंने सत्य का अनुभव किया। और जो अनुभव किया बड़ी सरलता से वो लोगों के बीच रखा, इसलिए उनका मार्ग आज भी सत्य का मार्ग है। हम सब यदि सचमुच सद्गुरु कबीर के विचारों से लाभ लेना चाहें तो उनकी वाणियों को पढ़ें और मनन करें। साहब ने खुद कहा है कि केवल सुन न लो, मेरी भी बातों पर समीक्षा करो। उन्होंने जो तरीका बताया है, विवेक परख, परख नहीं करेंगे तो शब्दों को लेकर के हम उस रास्ते में चले जाएंगे जो भटकाने वाले हैं। साहब ने क्या कहा, बिना विवेक भटकत फिरे पकड़ शब्द की छा। शब्दों की छाया किसी ने कह दिया, बस किसी ने कह दिया कि अमुक नदी में नहाने से पाप कटते हैं, अब चले जा रहे हैं। कई लोगों को तो यह पता नहीं है कि हम क्यों तीर्थों में जाते हैं, नदी में स्नान करते हैं, पूछ लो, नहीं जानते हैं। किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं, क्यों करते हैं, क्या कहेंगे, लोग करते हैं इसलिए करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, लोग करते हैं इसलिए हम भी करते हैं। यह व्रत क्यों करते हो, एकादशी क्यों रहते हो, लोग करते हैं इसलिए हम भी करते हैं। किसी तीर्थ में क्यों जा रहे हो, लोग जाते हैं इसलिए हम भी जाते हैं। होना क्या चाहिए, खुद परखो, नहीं तो किसी ने कुछ कह दिया उस शब्द को पकड़ लिए और दौड़े चले जा रहे हैं। तो सद्गुरु कबीर को समझना है तो बड़ी विनम्रता से हमें निष्पक्ष होकर के उनकी वाणियों का अध्ययन करना है
और जब उनकी वाणियों का अध्ययन करेंगे तो वो केवल समाज और धर्म की ही बात नहीं बताएंगे। ऐसा नहीं कि उन्होंने केवल जाति पाति के संबंध में कहा है, ऊंच नीच के को समता किया है या अंधविश्वास का खंडन किया है, वो तो किया है, लेकिन आप सुखी जीवन जिए इसका भी उन्होंने उपाय बताया है। परिवार में सुंदर संबंध हो, मधुर संबंध हो, इसका भी उपाय उन्होंने बताया है। तो मानसिक शांति के लिए, पारिवारिक वातावरण को सुंदर बनाने के लिए, सामाजिक समरसता के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए हर दिशा में उनके विचार हैं। आवश्यकता है उनके विचारों को पढ़ना, मनन करना और जीवन में आचरण करना। कई बार तो हम लोग सुन लेते हैं लेकिन करते वही हैं। हो गए कबीर के अनुगामी, दीक्षा भी ले लिए हैं, लेकिन जब किसी मंदिर के सामने से गुजरेंगे तो ऐसे हाथ जोड़ लेंगे, सिर झुका लेंगे। अब मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि सिर झुकाना, लेकिन उसके अंदर में जो भय बना है, कहीं ऐसा ना हो कि सिर न झुकाएं तो देवता नाराज हो जाएं। ये जो भय है ना, ये खत्म होना चाहिए। आप भीतर से निर्भय हो और बोधपूर्ण हो, उसके बाद झुकाएं तो बात अलग है। अब मर्यादम कहीं गए हैं भाई तो झुका लो, लेकिन ये भय हो कि न जाने भगवान कहीं नाराज ना हो। एक नाई था, कुछ बातें हुई तो वो मुसलमान हो गया कहते सुनते, लेकिन पुराने संस्कार गए नहीं थे, तो कोई भी मंदिर आता तो जा करके प्रणाम करने लग जाता, खड़ा हो जाता। एक दिन मौलवी जी देख ले, अरे कुफ्र, ये क्या कर रहा है, भूत परस्ती कर रहा है, इस्लाम धर्म में ये मूर्ति पूजा वर्जित है। कहे ओ तोबा तोबा, छोड़ देता था। फिर उसके बाद में दो चार दिन के बाद में फिर देखा कि दूसरे मंदिर में कोई हनुमान की मंदिर आ गया, वहाँ पर अपना हाथ जोड़ करके फिर नमन करने लगा। फिर उन्होंने देखा डाटा, अरे क्या कर रहे हो, अरे कहा ओ गलती हो गई। एक सप्ताह के बाद फिर वही गलती, तो उसने कहा तुम बार बार गलती ऐसा क्यों, ऐसी गलती क्यों करते हो, बार बार मैं मना करता हूँ कि तुम इस प्रकार से मूर्तियों के सामने, पत्थर के सामने सिर मत झुकाओ, क्यों करते हो। उसने क्या कहा, ऐसा है ना, मैं किसी भगवान को नाराज नहीं करना चाहता हूँ सबको खुश रखना चाहता हूँ। तो ये जो भय है ना, कबीर साहब जी उसी को तो छुड़ाते हैं। निर्भय भय तहां गुरु की नगरिया, सुख सुवे दास कबीरा हो। काहे का भय, स्वर्ग नरक इसका भय, अन जाने को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नाही। जही डर से भव लोक डरत है, सो डर हमरे नाही। लोग डरते हैं कि हम नरक में न चले जाएं, स्वर्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मरने के बाद कहाँ होगा, क्या बेकार की बातें करते हो। डरते क्यों हो, अभी सही जियो, अभी सिस्टम दो जीवन में, और आज सुखी रहोगे तो कल दुखी क्यों हो जाओगे, और आज दुखी रहोगे तो कल कहाँ से सुखी हो जाओगे। मृत्यु का मतलब गुरुदेव जी कहा करते थे, मृत्यु क्या है, बड़ी नींद, और नींद क्या है, छोटी मृत्यु। बस इतना सा है, थोड़ा सा अब आप समझो हाल में है, और उसके बाद में आप आंगन में चले गए, इतना सा अंतर है मृत्यु के बाद, और कुछ अंतर नहीं है। अब सब कुछ लेकर के जाएंगे आप यहाँ से, सब कुछ लेकर के जाएंगे, केवल शरीर छोड़ के जाएंगे ना, और भीतर की जो सारी संपत्ति उसको तो लेके जाएंगे, तो यहाँ भयभीत रहेंगे तो वहाँ भी भयभीत रहेंगे। आपका मकान छूटेगा, आपका शरीर छूटेगा, परिवार छूटेगा, लेकिन जो भीतर में संस्कारों की संपत्ति, चाहे वो अच्छी हो बुरी हो, वो सब लेकर के जाएंगे। वही तो वेग करता, वही तो सांड की सवारी, साहब ने कहा ना, इतते उत उतते इत रहो यम की सांड सवारी। इन्हीं वासनाओं की सवारी में तो हम आते और जाते हैं। तो फिर यहाँ आप यदि व्यवस्थित और सुखी और शांतिमय जीवन जिएंगे तो दुख का कोई कारण नहीं है। और यदि आप निवृत्त प्राण जीवन जीते हैं, पूरी अनाशक्ति का जीवन जीते हैं, तब तो जन्म का भी कारण नहीं है। बहरहाल बातें कुछ कम कह दी पूर्व वक्ता ने, तो मैं उसको पूरा किया, अब टाइम पूरा हो गया, और अब वक्तव्य देने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ सुचेता जी से, जो कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम पोटियाडीह से आई हुई हैं।
आप अपने विचार रखें। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जयकारा की आवाज बिल्कुल कम। अभी सब लोग नाश्ता जलपान करके बैठे हैं। फलों के रस को क्या कहते हैं? जूस। और जो जयकारा ना बुलाए उसको कंजूस। आप लोग कंजूस नहीं है इसलिए जोर से सदगुरु कबीर साहेब की जय बोलिए। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु अविलास साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, परम पूज्य श्री साहेब जी, अर्चनी वंदनी संत समाज, धर्म प्रेमी सम्माननीय भक्त सज्जनों, ममतामय माताओं बहनों एवं प्यारे बच्चों, मेरे लिए भी साहेब जी द्वारा आज्ञा हुई है, आज्ञा पालनार्थ कुछ देर निवेदन प्रस्तुत है। हम सब सदगुरु कबीर साहेब जी की पावन जयंती मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। बाबू भाई के अथक प्रयास से यह सत्संग का आयोजन हुआ है और इसकी सफलता तभी है जब हम सब सदगुरु कबीर के ज्ञान को अपने जीवन में आचरित करें और अन्य लोगों को भी उस ओर प्रेरित करें। क्योंकि किसी भी महापुरुष की जयंती मनाने का यही अर्थ होता है कि हम उनके उपदेशों को, आदर्शों को अपने जीवन में आचरित करें और अन्य लोगों को भी उस ओर प्रेरित करें। मैं सदगुरु कबीर साहब की एक साखी पर अपना विचार रखने जा रही हूँ। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, आज काल दिन कैयक में अस्थिर नाही शरीर, कहे कबीर कसराखियो कांचे बासन नीर। सदगुरु कबीर साहेब इस साखी के माध्यम से हमें शरीर और संसार की नश्वरता क्षणभंगुरता के बारे में बताकर सावधान करते हैं कि आज कल या कुछ दिनों में यह शरीर छूट जाएगा, क्योंकि यह स्थायी रहने वाला नहीं है। जैसे मिट्टी के कच्चे बर्तन में हम पानी भरकर नहीं रख सकते, वैसे ही शरीर की दशा है। साधना की दृष्टि से मानव जीवन सर्वोत्तम है और भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो यह रोगों का घर एवं अत्यंत क्षणभंगुर है। जीव की देह में उपस्थिति ही जीवन और जीव का देह से निकल जाना ही मृत्यु है। हम जन्म की तो याद करते हैं लेकिन मृत्यु को भूल जाते हैं। हम बड़े धूमधाम से जन्म उत्सव मनाते हैं। एक बच्चा जब 10 वर्ष का हो जाता है, हम 10वीं वर्षगांठ मनाते, कहते कि बच्चा 10 वर्ष का बड़ा हो गया। लेकिन इंग्लिश वाले कहते हैं 10 इयर्स ओल्ड, अर्थात 10 वर्ष का पुराना बूढ़ा हो गया। वास्तव में यही सच्चाई है, क्योंकि मनुष्य की आयु बढ़ती नहीं है, वह निरंतर घटती जाती है। जैसे नदी की धारा निरंतर समुद्र की ओर जा रही है, वैसे हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं, फिर भी मरने से डरते हैं। सदगुरु श्री अविलास साहब जी ने कहा है, इस जगती तल में जो जन्मा बैठा कौन यहाँ है, सौ के पहले वाला प्रायः कोई नहीं जहाँ है। सब कुछ क्षण क्षण परिवर्तन हो रहा है, ना जाने कौन पंछी कब अपने पिंजड़े को छोड़कर उड़ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। कहने सुनने में तो ऐसी बातें सामान्य लगती है, लेकिन जब कोई स्वस्थ युवक शरीर छोड़कर चला जाता है तब हमें लगता है कि हम कितनी भूल में हैं। पानी के बुलबुले इस शरीर की आशा लगाए बैठे हैं और अपने कल्याण के काम को दूर करते जा रहे हैं। लोगों की इसी प्रमाद को देखकर महाभारत में ये
यक्षनी युधिष्ठिर से प्रश्न किया था कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तब युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति अमालयम् शेषा स्थावर मिच्छन्ति किम् आश्चर्यमतः परम्। युधिष्ठिर ने कहा कि एक एक करके सभी प्राणी हम लोग को जा रहे हैं, फिर भी बचे हुए लोग सदैव ही रहना चाहते हैं, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा। हम इन बातों पर गहराई से विचार नहीं करते, इसलिए हमारा जीवन अनेक दोषों से भर जाता है। मनुष्य पाप क्यों करता है? चोरी, ठगी, काला बाजारी, खून खराबे, हत्या, डकैती, बलात्कार क्यों करता है? क्योंकि वह अपनी मौत की याद नहीं करता। आदमी समझता है कि हमें जो कुछ मिला हुआ है सब स्थायी रहने वाला है, लेकिन एक दिन काल का ऐसा थप्पड़ लगता है कि सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। इसीलिए किसी ने कितना अच्छा कहा है, जीना ऐसा जीना हो जीना किसी को तड़पाए तू, और मरना ऐसा मरना हो मर कर फिर ना आए तू। जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साध तू, तू ना हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू। हमारा जीना और मरना सार्थक कब होगा? जब हमारे मन, वाणी और कर्म से किसी को दुख ना हो, पीड़ा ना हो, कष्ट ना हो। अभी तो हमारे मन, वाणी और कर्म से सबको सुख मिले, शांति मिले, आदर्श मिले, तब हमारा जीना और मरना सार्थक होगा। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। हमें अपने जन्म के बारे में पता नहीं है, लेकिन और लोगों के बारे में सुनते हैं, देखते हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है तब रोता है, उसके रोने से ही घर में खुशियां आती है। अगर वह बच्चा ना रोए तो घर के लोग रोने लग जाते हैं। तो रोते हुए जन्म लेना ये तो प्रकृति का नियम है, लेकिन रोते रोते जीवन बिता देना ये जीवन की सार्थकता नहीं है। इसलिए हम ऐसा कर्म करें कि जब अंतिम समय आए, हम इस दुनिया से जाने लगे, तो हम हंसते हंसते इस संसार से विदा हो। हमारे वियोग में लोग हमारे प्रेम में, हमारे स्नेह में आंसू बहाए, तब हमारा यह जीना और मरना सार्थक होगा। जिस व्यक्ति की पाने की चाहना, मिलने की चाहना और छूटने के भय समाप्त हो जाते हैं, वह संसार में कैसा रहता है? कमलवत। कमल का फूल पानी और कीचड़ में ही पल्लवित और पुष्पित होता है, लेकिन उसमें लिपायमान नहीं होता। इसी प्रकार हमारा जीवन है, हम इस संसार रूपी कीचड़ में पैदा तो हो, लेकिन इस संसार में अनासक्त होकर जिए, तब हमारा जीना और मरना सार्थक होगा। व्यवहार में तो हम कह सकते हैं कि हम तुम्हारे हैं और तुम हमारे हो, लेकिन परमार्थ में कोई किसी का नहीं होता, सबको अकेले जाना होता है। इसलिए जाने से पहले हम ऐसा कर्म करें कि जाते समय हमें पश्चाताप ना हो, और जाने में हम स्वतंत्र हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर और एक सिंहासन चढ़ी जले एक बंधे जात जंजीर। जाने में अंतर है, एक सिंहासन पर चढ़कर जा रहा है और एक जंजीर से बंध कर जा रहा है। तो हमें सोचना है कि हमें कैसे जाना है, हम विषय वासनाओं की जंजीर में बंध कर जाएंगे या मोक्ष रूपी सिंहासन पर बैठ कर जाएंगे। अगर जीते जी हम अपने जीवन में शुभ कर्मों को कर ले, कल्याण का काम कर ले, तो हम भी मोक्ष रूपी सिंहासन पर बैठकर जा सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, जो गलत कर्म कर है उसको तो तुरंत कर लेते हैं, लेकिन शुभ कर्म को करने के लिए दिन सप्ताह और महीने और वर्ष गुजर जाते हैं, फिर भी उसको हम नहीं कर सकते, नहीं कर पाते हैं। और कल कल करते हुए काल आ जाता है और हमारा जीवन
ऐसे ही बीत जाता है। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल नहीं होएगा, बहुरी करोगे कब। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इससे बिल्कुल उल्टा विपरीत करते हैं, आज के काम को कल पर टाल देते हैं। हम क्या सोचते हैं, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, और इतनी जल्दी क्या है, जीना है अभी बरसों, और इसी चक्कर में कल कल करते हुए काल आ जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते। तो सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, आज काल दिन कैयक में अस्थिर नाही शरीर, कहे कबीर कस राखियो कांचे बासनी। जैसे मिट्टी की कच्चे बर्तन में हम पानी भर कर नहीं रख सकते, वैसे ही हमारे शरीर की दशा है। पानी की बुलबुले, ओस के कण और बिजली के चमक के समान यहाँ जवानी और जीवन दोनों गायब हो जाते हैं। फिर भी हम इसका अहंकार नहीं, अहंकार करते हैं, इसके अहंकार में फूला नहीं समाते। सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं, जो उगे सो आतवे, फूले सो कुमलाए, जो चुने सो डही परे, जन्मे सो मर जाए। जो सूर्य निकलता है वह डूब जाता है, जो फूल खिलता है वह मुरझा जाता है, जो दुकान मकान या कोई वस्तु का हम निर्माण करते हैं वह भी एक दिन मिट्टी में मिल जाता है। इसी प्रकार हमारा जीवन है, एक दिन इस संसार से हम सबको जाना पड़ेगा। विषय वासनाओं के क्षणिक सुख को शाश्वत मानकर हम उसी में लिप्त रहते हैं, उसे छोड़ने का नाम नहीं लेते। लेकिन एक दिन जिनके बहनों में बड़े बड़े राजा महाराजा इस संसार से चले गए, तो हम साधारण लोगों की क्या गिनती। इसलिए जिनसे हमारा संबंध है उनसे प्रेम पूर्ण व्यवहार करते हुए मझधार पर पड़ी हुई नैया को पाल लगाने का काम करें। अनादिकाल से हम भटकते हुए आए, कभी तृप्ति नहीं मिली, कभी शांति नहीं मिली, और आज भी हमारा समय ऐसे ही बीत जाएगा। जो कुछ भी मिला हुआ है हमें अमानत के रूप में मिला हुआ है। बेटा है तो बहू की अमानत, बेटी है तो दामाद की अमानत, शरीर शमशान की अमानत, और जिंदगी मौत की अमानत। एक दिन बेटा बहू का हो जाएगा, बेटी को दामाद ले जाएगा, शरीर शमशान की राख में मिल जाएगा, और जिंदगी मौत से हार खा जाएगी। इसलिए इस अमानत को हम अमानत समझ कर ही सार संभाल करें, इसमें मलकियत का ठप्पा ना लगाएं। बच्चे की जन्म लेने की देर है, जैसे बच्चे की जन्म लेते ही उसके लिए एक से एक बढ़कर सामान, खिलौने, कपड़े, सब चीज एकत्रित हो जाता है, वैसे हमारे मरने की देर है। मौत की सामग्री भी तैयार है, कफन भी तैयार है, बस बाजार से लाने की देर है। बांस भी तैयार है, बस ऑर्डर देने की देर है। उठाने और जलाने वाले भी तैयार है, बस खबर देने की देर है। जलाने की जगह भी तैयार है, बस अर्थी उठने की देर है। और रोने वाले भी तैयार है, बस खबर सुनने की देर है। तो मौत की सब सामग्री तैयार है, बस श्वास बंद होने की देर है। श्वास बंद होते ही एक घंटे में सब सामग्री एकत्रित हो जाएगी और यह शरीर शमशान की राख में मिल जाएगा। इसलिए अस्थियां बिखरने के पहले हम अपने अस्तित्व के प्रति आस्था जगा लें, सौ होने के पहले शिवत्व को प्राप्त कर लें, और चिता जलने के पहले अपनी चेतना को जगा लें, तभी यह जीवन सार्थक होगा। यह सुंदर समय मिला हुआ है, इसका हम अहंकार ना करें। आदमी की औकात क्या है, एक मुट्ठी राख से कुछ नहीं है, लेकिन वह अपने आप को क्या समझता है, चक्रवर्ती का बाप। लेकिन चक्रवर्ती की चपरासी जैसी भी उसकी हैसियत नहीं है। एक विचारक ने बहुत सुंदर कहा है कि एक माचिस की तीली, एक लोटा घी, लकड़ियों के ढेर पर कुछ देर बाद राख बस इतनी सी है आदमी की औकात। एक बूढ़ा शाम को मर गया, सारी जिंदगी परिवार के नाम कर गया, कहीं रोने की सुनी आहट तो कहीं फुसफुसाहट। अरे जल्दी करो, कौन रोएगा सारी रात, बस इतनी सी है आदमी की औकात। मेरी मौत पर कुछ लोग जबरदस्त रो रहे थे और कुछ लोग जबरदस्ती रो रहे थे। मेरी मौत पर कुछ लोग जबरदस्त रो रहे थे और कुछ लोग जबरदस्ती रो रहे थे। भला आदमी था बेचारा चल बसा, वो भी चार दिन बाद, बस इतनी सी है आदमी की औकात। बेटा बड़ी तस्वीर लगाएगा,
बेटा बड़ी तस्वीर लगाएगा, अगरबत्ती भी जलाएगा, खुशबू भरी माला होगी, अश्रु अखबार में अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि होगी, खुशबू भरी माला होगी, अखबार में अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि होगी, फिर उस तस्वीर की कौन करेगा जाले साहब, बस इतनी सी है आदमी की औकात। पैसा पैसा बैंकों में पड़ा रहेगा, नौकर हाथ जोड़े खड़ा रहेगा, पत्नी दरवाजे तक रह जाएगी, तिजोरी हंस रही होगी, तिजोरी हंस रही होगी, जीवन भर करता रहा धन 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 और आज हो गया निधन, बस इतनी सी है आदमी की औकात। तो हम अपनी औकात को समझें, इसका अहंकार ना करें, क्योंकि किसी शायर ने कितना अच्छा कहा है, आदमी का जिस्म क्या है, जिसमे सैदा है जहाँ, मिट्टी की है ए इमारत और मिट्टी का मकान, खून का गारा लगा है ईंट जिसमें हड्डियाँ, चंद श्वासों पर टिका है यह ख्याली आसमां, काल की पुरजोर आंधी जब इसे टकराएगी, देख लेना ए इमारत खुद ब खुद ढह जाएगी। तो इस शरीर की संसार की नश्वरता को क्षण भंगुरता को समझकर हम सावधान हो जाएं और अपनी जीवन की जीवन को धर्म के काम में लगाएं, परोपकार का काम करें और कल्याण की दिशा में आगे बढ़े, तभी हमारा यह मानव जीवन सार्थक होगा। बस इतनी इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। सही बात है, आप लोग सचमुच कंजूस हैं लगता है, है ना? इतना बढ़िया विचार सुनते सुनते भूल ही जाते हैं कि हमको जय भी बोलना है, तो मैं याद दिला रहा हूँ, बोल दीजिए। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की। पूज्य गुरुदेव जी कहा करते थे, सद्गुरु कबीर हमें दो बातों की याद दिलाते हैं, मौत की और राम की। मौत की याद दिलाने का मतलब क्या है? हमारे सारे अहंकार वहाँ पर क्षीण हो जाते हैं और जहाँ तक आसक्ति है वो समाप्त हो जाती है मौत की याद आते ही। लेकिन केवल मौत की याद हो तो निराशावाद है, साथ साथ में याद दिलाते हैं राम की, वहाँ विश्राम है, वो अमरत्व है। मौत में सब कुछ बिखर जाएगा, लेकिन जब राम को पाओगे वहाँ पूर्ण विश्राम होगा जो कभी बिखरने वाला नहीं है। कहने का मतलब अभी जो सुन रहे थे भाव यह था कि मौत तो निश्चित है, एक दिन सबको मौत के मुख में जाना है। साहब ने कहा कि झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का कुछ मुठी कुछ गोद। जैसे हम अपनी गोद में रख करके कभी कुछ खाते हैं, चना है, ममरा है, शिंग दाना है, उठाते हैं खाते हैं, ऐसे ही मौत सबको खा रही है, एक दिन हमारा भी नंबर लगेगा और वो चबा जाएगी। लेकिन मौत आने के पहले हमारे पास एक बड़ी संभावना है, यदि हम उसका उपयोग करें, क्या? अमरत्व को प्राप्त कर सकते हैं, अमरता को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें इस जीवन को तो संवारना ही है, लेकिन ध्यान रखना है कि थोड़े दिन का समय है। मौत की याद का मतलब ऐसे नहीं कि मैं मर जाऊंगा, ये भय के लिए नहीं है। मौत की याद, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं तो मरने ही वाला हूँ, मुझे कुछ करने से क्या मतलब है, एक दिन तो सब छूट जाएगा, ऐसा नहीं है। भाव यह है कि आप मेहनत करो, विकास करो, लेकिन ध्यान क्या रखो, एक दिन छूटने वाला है, तो जो न छूटने वाली चीज़ है उसके लिए भी मेहनत करो। हम छूटने वाली चीज़ों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन एक ऐसी भी चीज़ है जो न छूटने वाली है, आप उसके लिए भी मेहनत करें, उसके लिए भी समय निकालें। यह संदेश
सुने। और अब हमारे बीच विराजमान हैं परम पूज्य श्री ज्ञान साहेब जी। मैं विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप अपने सुंदर विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। पूज्य श्री साहेब जी, माइक ले आओ भैया, माइक स्टैंड प्लीज। यतो स्वरूपम अभिज्ञाय प्राप्तं दुःखम् अनन्तकम् तत्पदं ज्ञापितं येन तस्मै सद्गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कबीर पारक संस्थान प्रयागराज पधारे हुए श्रद्धेय श्री साहेब जी, कबीर पारक संस्थान सूरत से पधारे हुए अध्यक्ष श्री गुरुभूषण साहेब जी, विभिन्न आश्रमों से पधारे हुए श्रद्धेय संत गुरुजन, आदरणीय साध्वी समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, संसार में अरबों नर नारी हैं, उनके रंग में, रूप में, संप्रदाय में, वेशभूषा में, मान्यताओं में, उपासना पद्धति में, रीत रिवाजों में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। जहाँ तक हमारी दृष्टि बाहर की ओर जाती है, हमें अंतर ही अंतर दिखाई देता है। भाषाओं में भी अंतर है। संपूर्ण विश्व में 2792 भाषाएं हैं, एक आदमी कितनी भाषा पढ़ सकता है? भाषाओं में अंतर है, आदमी की शक्लों में भी अंतर है। किसी देश के लोग काले पाए जाते हैं, किसी देश के लोग गोरे पाए जाते हैं, किसी देश के लोग नाटे पाए जाते हैं, किसी देश के लोग लंबे पाए जाते हैं। उपासना पद्धति में भी अंतर है। कोई मंदिर में जाकर श्रद्धा सुमन समर्पित करता है, तो कोई मस्जिद में जाकर अल्लाहो अकबर की अजान करता है, तो कोई गिरजाघर में जाकर प्रार्थना करता है, तो कोई गुरुद्वारा में जाकर अरदास करता है। वेशभूषा में भी अंतर है। हमारे यहाँ आप देखते हैं, सब संत साध्वी श्वेत वस्त्रधारी हैं। आप हरिद्वार ऋषिकेश जाकर देखें, गेरुए वस्त्र में मिलेंगे, कहीं पीले वस्त्र में मिलते हैं, कहीं वस्त्र ही नहीं पहनते हैं। इसमें भी अंतर है। दार्शनिक मान्यताओं में भी अंतर है। कोई ईश्वर का सगुण और निर्गुण दोनों रूप मानता है, कोई ईश्वर का निर्गुण रूप मानता है, कोई ईश्वर को मानता ही नहीं है। कोई कहता ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, कोई कहता ब्रह्म मिथ्या जगत सत्यम। दार्शनिक मान्यताओं में भी अंतर है। जहाँ तक हमारी दृष्टि बाहर की ओर जाती है, सब हमें अंतर ही अंतर दिखाई देता है, किंतु मानव के आंतरिक जगत में एकता है। आप कह सकते हैं इतनी विभिन्नता के बावजूद आंतरिक जगत में एकता का क्या प्रमाण है? विश्व के किसी भी नर नारी से आप पूछें कि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं या बीमार, सभी व्यक्ति एक ही उत्तर देंगे कि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं। चाहे वे जिस देश के नागरिक हों, चाहे जो भाषा बोलने वाले हों,
चाहे जिसकी आराधना करते करने वाले हों, चाहे जिस रंग रूप वाले हों, सबके भीतर की मांग एक। विश्व के किसी भी नर नारी से आप पूछें कि आप अपने जीवन में सुख शांति चाहते हैं कि दुख और अशांति, सभी व्यक्ति एक ही उत्तर देंगे कि हमें सुख और शांति चाहिए। विश्व के किसी भी नर नारी से आप पूछें कि आप अपने जीवन में हानि चाहते हैं या लाभ, सभी व्यक्ति एक ही उत्तर देंगे। इसलिए मानव के आंतरिक जगत में एकता है, बाहर विविधता है। सैकड़ों आशिक हैं, दिलाराम सबका एक है, मजहब व मिल्लत जुदा जुदा है, काम सबका एक है। हमें अपनी ओर देखना है। परिवर्तनशील शरीर में अपरिवर्तनशील तत्व मौजूद है, विनाशी शरीर में अविनाशी मौजूद है। जीवन में दोनों तरफ देखना है। विनाशी शरीर के लिए विज्ञान चाहिए, अविनाशी के लिए धर्म चाहिए। जीवन में धर्म और विज्ञान दोनों का सुंदर समन्वय होना चाहिए। विज्ञान से हमें भौतिक समृद्धि मिलती है, धर्म से हमें मानसिक समृद्धि मिलती है। विज्ञान हमारे मकान के अंधकार को मिटाता है, धर्म हमारे दिमाग के अंधकार को मिटाता है। आज आदमी बाहर के अंधेरा को मिटाने का प्रयास किया, खूब मिटाया, किंतु आदमी के दिमाग में जो अंधेरा है उसको मिटाने का प्रयास उस अनुपात में नहीं किया। इसीलिए एक शायर ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा, रोशनी कोर्ट और किलों में है, रोशनी फैक्ट्री और मीलों में है, रोशनी खूब महफिलों में है, पर अंधेरा दिलों में। बाहर जगमगाहट है, आदमी के दिमाग में इतना गहरा अंधकार है कि सूर्य के प्रकाश में ही उसको नहीं दिखाई देता है। सिगरेट के व्यसन वाली चीजों में लिखा रहता है स्वास्थ्य के लिए हानिकर है, फिर भी आदमी पीता है, नहीं दिखाई देता। दिमाग में अंधेरा है और वो धर्म से मिटता है, विज्ञान से नहीं। आधी समस्या का समाधान विज्ञान करता है और आधी समस्या का समाधान धर्म करता है। इसलिए दोनों की जीवन में जरूरत है। केवल गेहूं से भूख मिट सकती नहीं, गुलाब पर ही नजर टिक सकती नहीं है, दोनों की जरूरत इंसान के लिए। एक चक्का से गाड़ी चल सकती नहीं, जीवन में दोनों की आवश्यकता है। इसलिए दोनों तरफ हमें विकास करना चाहिए। आज आदमी चीजों का विकास बहुत अच्छा किया, इतना सुंदर साधन है, छोटा सा साधन है मोबाइल, कितना अच्छा साधन है। आप हाथ में लेते हैं, बंबई कलकत्ता दिल्ली में आपके मित्र रहते हैं, सगे संबंधी रहते हैं, मिलाते हैं नंबर, ऐसे ढंग से बात करते मालूम पड़ता है बिल्कुल सामने खड़े बात होती है। और आपको चित्र भी देखने को मिलता है, सामने पर व्यक्ति दिखाई देता है, कैसे वस्त्र पहने, कैसे एक्टिंग कर रहा, सब दिखाई देता है। अगर ये साधन त्रेता युग में होता महाराज श्री राम के जमाने में, तो महारानी सीता प्रयोग करती, हलो हलो रावण पकड़ लिया, जल्दी आ जाओ, तो ये घटनाएं नहीं घटने पाती, तमाम उनको इतना कष्ट नहीं उठाना पड़ता। आधुनिक युग में चीजों का विकास बहुत अच्छा हुआ, किंतु उस अनुपात में आदमी ने अपना विकास नहीं किया। अगर आदमी अपना विकास किया होता तो आज अपहरण न होता, बलात्कार न होता, और भ्रष्टाचार न होता, दुर्व्यसन न होता। आज पूरे विश्व में आदमी को आदमी से भय हो गया। आज आदमी को सिंह से भय नहीं, सर्प से भय नहीं, आज आदमी को आदमी से खतरा है, भय है। ये नहीं होता, आदमी की शक्ति से अब डर रहा है आदमी, आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी, आदमी ही मारता है मर रहा है आदमी, समझ कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी।
आदमी की सख्त से अब डर रहा है आदमी। आज पूरे विश्व में आदमी को आदमी से खतरा है। किससे खतरा है? केवल खराब आदमी से खतरा है, अच्छे आदमी से कोई खतरा नहीं। यहाँ कबीर जयंती महोत्सव चल रहा है, अगर इस समय कोई प्रसिद्ध संत आ जाए, सती साध्वी देवियां उपस्थित हों, कोई अच्छे भक्त सज्जन आ जाए, कोई राष्ट्र के अच्छे नेता आ जाए, तो मन में बड़ी प्रसन्नता होगी कि आप सही समय से पधारे हैं। स्वागतम, आपका स्वागत, हर्ष उल्लास का वातावरण छा जाएगा। किंतु एक ही आदमी आतंकवादी आ जाए राइफल बम लेकर, तब सबके मन में भय व्याप्त हो जाएगा कि पता नहीं अब क्या होने वाला है। जहां ये आतंकवादी पहुंच जाते हैं, भले किताबों में लिखा गया हो कि सब जगह ईश्वर रहता है, परंतु ऐसा लगता है वहां कोई नहीं है। सब जगह वो अपना काम करके चले जाते हैं, आदमी को मार देते हैं, कोई रक्षा करने वाला दिखाई नहीं देता, ना आकाश से ना कहीं से। आदमी ही आदमी की रक्षा करता है और गलत आदमी ही आदमी को समाप्त कर देता है। इस वास्तविकता का हमें बोध होना चाहिए। हर आदमी को आज अपने विकास की चिंता होनी चाहिए। हम एक भूल किए, चीजों को नंबर एक में रख दिए और अपने को नंबर दो में कर दिए। इसलिए चीजों का विकास आदमी अच्छा किया है, अपना विकास उस अनुपात में नहीं किया। होना यह चाहिए कि आदमी अपने विकास को आगे रखता, चीजों को विकास बाद में रखता। और अपना विकास करने के लिए सबसे पहले जिस चीज की जरूरत है, उसके लिए संत सम्राट सूर कबीर साहब ने अपनी मौलिक बीजक में कहा, संगत कीजे साधु। संसार में हर आदमी को संग की आवश्यकता होती है। ऐसा कोई आदमी नहीं जो बिना संग के जीवन यापन कर सके। जब जीवन में संग करना है तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा, संगत कीजिए साधु। हर आदमी को साधु की संगत करनी चाहिए। आजकल साधु के संबंध में भी तरह तरह के प्रश्न उठाए जा रहे हैं। वास्तविकता को समझने का प्रयास करना चाहिए। अध्यापन कार्य करने वाले को अध्यापक कहते हैं, चिकित्सा करने वाले को चिकित्सक कहते हैं, वकालत करने वाले को वकील कहते हैं, नेतृत्व करने वाले को नेता कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से साधना करने वाले को साधु कहते हैं। साधना है मन और इंद्रियों का निग्रह करना, ये साधना। साधु का आज की भाषा में अर्थ करें, साधु का अर्थ होता है गुड मैन, अच्छा आदमी, जिसके विचार और कर्म दोनों ठीक, उसकी संगत करनी चाहिए। संग का जीवन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। प्राणी जगत में, पदार्थ जगत में, दोनों में संग का गहरा प्रभाव पड़ता है। आप एक लोटा पानी लें, गुलाब जल का संग करा दें, पानी से सुगंध आने लग जाती है। और एक लोटा पानी लें, उसमें दो चार बूंद शराब की डाल दीजिए, दुर्गंध आने लग जाएगा। दूध को चीनी का संग मिल जाता है, दूध मीठा हो जाता है, और नमक का संग मिल जाता है, खारा हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से आदमी को संतों का संग मिल जाता है, आदमी भक्त बनता है, सज्जन बनता है, दानी बनता है, धर्मात्मा बनता है, राष्ट्र के लिए एक अच्छा नागरिक बनता है, परिवार के लिए एक अच्छा सदस्य बनता है। उसी आदमी को खराब आदमी का संग मिल जाता है, वो आदमी अनेक दुर्व्यसनों का शिकार हो जाता है और आतंकवादी बन जाता है, तमाम भ्रष्टाचार करता है। ये खराब संघ का प्रभाव है। इसलिए अगर अपने जीवन में हम विकास चाहते हैं, अपना विकास चाहते हैं, तो हमें संतों की संगत करनी चाहिए। शिक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्तमान युग बौद्धिक युग कहलाता है। उपलब्धि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्तमान युग वैज्ञानिक युग कहलाता है। शक्ति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्तमान युग आणविक युग कहलाता है। इस वैज्ञानिक, बौद्धिक और आणविक युग में
आज प्रबुद्ध मानव एक प्रश्न उठा रहा है कि हम साधु की संगत क्यों करें, साधु की संगत करने से क्या मिलेगा। एक नवयुवक था, उसने कहा हमें साधु की संगत की जरूरत क्या, हमारे पास रहने के लिए आलीशान बंगला, जीविकोपार्जन के लिए कल कारखाने, समाज में हमारा सम्मानित स्थान है, हमें साधु की संगत करने की जरूरत क्या है। मैंने उससे पूछा कि जो तुम सिगरेट पीते हो, शराब पीते हो, इससे बचने का तुम्हारे पास क्या उपाय है, तुम्हारे पास कोई साधन कि सिगरेट से छूट जाओ, बोतल से छूट जाओ, इन वासनाओं की आसक्ति से ऊपर उठ जाओ, तुम्हारे पास क्या साधन है। चुप रह गया। केवल हमारे पास जीविका उपार्जन का साधन है, जीवन गुजर का साधन है, जीवन में जो एक अच्छा जीवन, निर्विकार जीवन, पवित्र जीवन जीने के लिए सबसे पहले जिस चीज की आवश्यकता है वो है साधु की संगत। याद रहे, संतों की संगत से हम दूर रह करके धन कमा सकते हैं, परिवार बढ़ा सकते हैं और अपने कर्तव्य का पालन कर सकते हैं, किंतु संतों से दूर रह करके हम अपने जीवन को निर्विकार नहीं बना सकते, अपने जीवन को अच्छा नहीं बना सकते। उसके लिए संतों की संगत अनिवार्य। कोई व्यक्ति मास्टर बनना चाहे और मास्टर की संगत न करे तो कभी मास्टर नहीं बन सकता है। कोई व्यक्ति नेता बनना चाहे और नेता की संगत न करे तो कभी नेता नहीं बन सकता है। ठीक इसी प्रकार से कोई अच्छा आदमी बनना चाहे अब अच्छे आदमी की संगत न करे तो कभी अच्छा आदमी नहीं बन सकता है। इसलिए सबसे पहले जरूरत है हमें अच्छी संगत की। क्यों संगत करें, यह प्रश्न उठाता है, प्रश्न न्यायोचित। आदमी के मस्तिष्क में जो प्रश्न उठते हैं उसका बौद्धिक समाधान मिलना बहुत आवश्यक है। मैं बड़ौदा में था, गुरुदेव जी के साथ बोल रहा था, मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिदेव। इस संसार में हर आदमी का जन्म माँ पिता से होता है। इस धरती तल पर देवी के रूप में माँ मिलती है, देवता के रूप में पिता मिलते हैं। कितने प्यार से पालन पोषण करके उस अवस्था से हमको आगे बढ़ा ले जाते हैं जहाँ हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत बड़ा उपकार माता और पिता का होता है। इसलिए माँ पिता के प्रति श्रद्धा हो और सेवा की भावना हो। इस प्रकार से मैं करीब एक घंटा बोला। उसमें बैंक के एक कर्मचारी आए थे, वो अपने मित्र विशेष के कहने से आए थे, उनके मन में कोई श्रद्धा नहीं थी। मित्र विशेष ने आग्रह किया था, वो आए थे, सब चले गए, वो बैठे रहे। मैंने कहा आप भी जाइए। उन्होंने कहा जाऊंगा जरूर, किंतु मेरे मन में एक प्रश्न, उसका मैं समाधान चाहता हूं। मैंने कहा प्रश्न करिए। उन्होंने कहा आपका उपदेश तो बहुत अच्छा लगा कि इस धरती तल पर देवी के रूप में माँ मिलती है, देवता के रूप में पिता मिलते हैं, जीवित देवी देवता माता और पिता हैं। आपका उपदेश तो अच्छा लगा, किंतु आप खुद माता पिता को छोड़कर साधु बन गए हैं, तो आपके उपदेश का प्रभाव हम पर कैसे पड़ेगा। आप वहां रहते और फिर हमको उपदेश देते, माता पिता की सेवा करते, तब आपके उपदेश का प्रभाव पड़ता। मैंने उसको प्यार से बहुत समझाने का प्रयास किया, किंतु अंत में उसने कहा जो माता पिता को छोड़ देता है उसको हम नमस्कार नहीं करते, उसकी संगत नहीं करते, उसकी सेवा नहीं करते। फिर मैं उसको समझाने का प्रयास किया, फिर दोहरा दिया। जब दूसरी बार उसने कहा कि जो माता पिता को छोड़ देते हैं उसकी हम संगत नहीं करते, उसकी सेवा नहीं करते, तब मुझे लगा कि मेरे प्यार का दुरुपयोग कर रहा है। मैंने वीटो पावर का प्रयोग किया और कहा कि आपकी पत्नी माता पिता को छोड़ दिया है, आपके पास रहती है, उसके बच्चों के लिए आप नौकरी करते हैं, और जो माता पिता को छोड़ दिया है उसी के साथ आप रहते हैं, उसी के लिए सब कुछ करते हैं, हमारे लिए कानून बिगाड़ते हैं कि जो माता पिता को छोड़ देता है उसकी संगत नहीं करते, उसकी सेवा नहीं करते, और आप उसी के साथ रहते हैं, उसी के लिए नौकरी करते हैं। उस दिन से जैसे बैंक से छूटते थे सीधे हमारे पास आते। एक दिन माँ आ गई, उसने कहा साहब मेरा बेटा तो नास्तिक था, किसी साधु के पास नहीं जाता था, अब इसको क्या हो गया है, आता है तो घर में खाता भी नहीं, सीधे आपके पास आ जाता है। मैंने कहा इसी से पूछिए।
बौद्धिक समाधान मिलना जरूरी है। जीवन गुजर के लिए आप खेती करते हैं, व्यापार करते हैं, सर्विस करते हैं, केवल धन मिलता है और धन से आधी समस्या का समाधान होता है, जीव को उपार्जन की समस्या का समाधान मिलता है और आगे कुछ नहीं मिलता। सत्संग से, संतों की संगत से वो चीज मिलती है जिससे आप तृप्त होते हैं, पवित्र जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, जो किसी जीवन में नहीं प्राप्त किए हैं वो प्राप्त करते हैं। आपके मन में प्रश्न उठता होगा वो क्या चीज है, वो है सद्बुद्धि। सद्बुद्धि जब व्यक्ति के पास मिल जाती है तो वो अनात्म की आसक्ति से ऊपर उठकर अपने आप में तृप्त होता है, शांत होता है, एक अच्छा जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसीलिए गांधी जी ने अपनी प्रार्थना में कहा था, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मत दे भगवान। गांधी जी ने कहा सबको सन्मत दे भगवान। गांधी जी राजनीतिक क्षेत्र में थे, गांधी जी डायरेक्ट भगवान से मांग लेते सबको संपत्ति दे भगवान, तो राजनेताओं को गरीबी मिटाओ आंदोलन नहीं चलाना पड़ता। किंतु गांधी जी अच्छी तरह से समझते थे संपत्ति से आधी समस्या का समाधान होता है, आधी समस्या का समाधान होता ही नहीं। आदमी के पास चाहे जितनी संपत्ति हो, आधी समस्या का समाधान होगा, केवल जीव को उपार्जन की समस्या का समाधान होगा और आगे समाधान नहीं होता है। उसके लिए सद्बुद्धि चाहिए। जब व्यक्ति को सद्बुद्धि मिलती है, सत्य सत्य का बोध प्राप्त कर लेता है, असत्य को छोड़कर सत्य में स्थित हो जाता है, अपने आप में तृप्त और शांत हो जाता है, तब उसका जीवन सफल होता है। इसलिए हर आदमी को जो अपना विकास चाहते हैं, पहली आवश्यकता है संतों की संगत करना। हमारा जीवन तीन चीजों से प्रभावित होता है, संग, साहित्य और वातावरण, तीन से जीवन प्रभावित होता है। पहले संग से प्रभावित होता है, फिर साहित्य से प्रभावित। आदमी जिस प्रकार का साहित्य पढ़ता है वैसे उसके मन में विचार आते हैं। बोलो सद्गुरु देव की। आप सब शांत पूर्वक बैठ। तो जीवन तीन चीजों से प्रभावित होता है, संग, साहित्य और वातावरण। शरीर के लिए आदमी बहुत खुराक देता है और ग्रंथों का अच्छी तरह से अध्ययन नहीं करता, बुद्धि कमजोर हो जाती है। जैसे शरीर भोजन नहीं पाता तो शरीर कमजोर हो जाता है, शरीर भोजन पाता है बलवान हुआ, बुद्धि खुराक नहीं पाई कमजोर हो गई और इतनी कमजोर हो जाती है कि आज साक्षर व्यक्ति कहता है साहब दम टूट सकता है, सिगरेट और बोतल नहीं छूट सकता, मर सकता है, मरने के लिए तैयार है, कहते इसके बिना हम नहीं रह सकते। बंधुओं समय का बहाना ना करो, समय निकाल करके ग्रंथों का अध्ययन करो, अच्छे से अच्छे साहित्य का अध्ययन करो। आज हमारा सौभाग्य है प्रेस का युग है, अच्छा से अच्छा साहित्य मौजूद है। हम बुद्ध जी को नहीं देखे हैं किंतु बुद्ध जी का साहित्य उपलब्ध है, महावीर स्वामी जी को नहीं देखे हैं किंतु उनके बाद जो साहित्य बना उसको आज हम पढ़ सकते हैं। सदगुरु कबीर साहब को नहीं देखे हैं किंतु आज बीजक हमारे पास है, बीजक पढ़ सकते हैं। इसलिए सदग्रंथों का अध्ययन करें और स्वस्थ वातावरण में रहें। यदि हम तीनों का प्रयोग सही ढंग से करते हैं तो हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। हेलो, अभी हेलो पूज्य श्री साहेब जी के विचार सुन रहे थे और अभी एक भजन सुनते हैं और भजन के पश्चात हम लोग कबीर पारक संस्थान प्रयागराज से पधारे पूज्य श्री साहेब जी के विचार सुनेंगे। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय।
भक्ति दान गुरु दीजिए देवन के देवा। हेलो, प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। भक्ति दान गुरु दीजिए देवन के देवा, जन्म पाए ना बिसरो करी हो पद सेवा। भक्ति दान गुरु दीजिए देवन के देवा, जन्म पाए ना बिसरो करी हो पद सेवा। जन्म पाए ना बिसरो करी हो पद सेवा। सोना कुछ मैं मांगूं मेरे समरथ
संपत्ति परिवार धन सुंदर वर नारी सुख संपत्ति परिवार धन सुंदर वर नारी सपनी इच्छा ना उठे गुरुवान तुम्हारी सपनी इच्छा गुरुवान तुम्हारी भक्ति दान गुरु दीजिए देवन की देवा जन्म पाए ना बिसरूं करी हो पद सेवा जन्म पाए ना बिसरूं करी हो पद प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय।